आंखों के नीचे स्याह हलके क्यों बनते हैं? माहरीन तबो सेहत ने इस बारे में मुशाहदात किए हैं। इनके मुताबिक इसकी वजूहत मंदरजा ज़ेल हैं। थकावट, थकावट को पहला अहम सबब करार दिया गया है। ऐसे लोग जो मुसलसल थकन का शिकार रहते हैं या किसी वजह से जहनी तनाव में मुबतला होते हैं, इनकी आंखों के गिर्द खून की गर्दिश सुस्त होकर खून आंखों के पपोटों के नीचे जमा होकर गहरे स्याह हलकों का सबब बनता है। नींद की कमी, नींद की कमी भी आंखों के नीचे स्याह हलकों का सबब हो सकती है। आजकल देखा गया है कि लोग रात देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठने का रवाज हो गया है। ऐसे भी लोग हैं जो रात देर तक काम करते हैं। ऐसे अफराद में आंखों में थकन के बायस ऐसा हो सकता है। खून की कमी, जिन अफराद में खून की कमी है वो भी स्याह हलकों का शिकार हो सकते हैं। खून की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे जिस्म और आंखों को खून की पूरी मिकदार ना मिलने और इस तरह ऑक्सीजन ना मिलने से आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन जाते हैं। बढ़ती उम्र का तकाजा, आंखों की जिल्द पतली और नरम और नाजुक होती है, जिसकी वजह चर्बी वाले टिश्यूज़ की बारीकी की वजह से वाजे हो जाते हैं, जो कि जिल्द के टिश्यूज़ की बारीकी के बायस नुमायाँ हो जाते हैं। इस तरह उम्र के बायस या ज़्यादती से भी आंखों के नीचे स्याह हल्के बन सकते हैं। धूप, ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा वक्त धूप में गुजारते हैं, इनका जिस्म ज़्यादा रंगदार मादा बनाता है, जो आंखों के नीचे स्याह हलकों का सबब बन सकता है। ऐसे अफराद इस मर्ज से बचाव के लिए धूप में ज़्यादा देर तक ना रहें। आंखों का बार बार मसलना, बाद अफराद को आंखें मलने की आदत होती है, जिससे छोटी शरियाने मुतासर हो सकती हैं। इस तरह खून की रवानी मुतासर होकर स्याह हल्के बन सकते हैं। नमक की ज़्यादती और पानी की कमी, बाज़ माहरीन के नज़दीक नमक का ज़्यादा इस्तेमाल आंखों के नीचे हल्के को फैला देती है। ऐसे अफराद अगर हाई ब्लड प्रेशर का शिकार ना हो तो भी नमक कम इस्तेमाल करें। इसी तरह कैफीन आवर चीनी का इस्तेमाल भी कम करें, जिससे डिहाइड्रेशन का इम्कान कम हो जाता है। ऐसे लोग दिन में कम से कम 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि पानी की कमी और नमक की ज़्यादती भी आंखों के नीचे स्याह हलकों की वजह हो सकती है।